तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो घर का ही होने वाला है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मोहाली पेट ब्लॉग्स यानी कि पेट से रिलेटेड हमारा चैनल है और आज घर पे है। और जैसे आप लोगों को पता होगा मैंने यहाँ पे 3 पेट्स रखे हुए हैं। पर्शियन कैट है मेरे पास और कल्चर पॉम है। तो अभी इसका जो है खाने का टाइम हो चुका है। इधर आ जाओ भाई, आ जा। तो अभी इसके खाने का टाइम हो चुका है और जब खाने का टाइम इसका होता है तो समझ लो ये किचन में आ जाता है दोस्तों। हाँ भाई हेलो कर दे सभी को। चलो इसका खाना तैयार करते हैं दोस्तों। अभी तो ये इसके बिस्किट रहे, साथ में दही और कुछ गर्म पानी। तो चलिए गर्म पानी को इसमें हम ले लेते हैं और इसको मैस करना होगा। तो यहाँ पर इसको हम मैस कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि भी छोटा है तो इसको पूरा बिस्किट नहीं खिलाना होता, बिस्किट इसको मैस करके खिलाना होता है। कर दिया मैं उसके साथ में दोस्तों। यहाँ पर हम इसका दही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने कुछ दही को मिक्स किया, अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिस्किट और यहाँ पर एक बिस्किट रह गया, इसको फोड़ देते हैं। हाँ रुक जा, अब इसका हो गया खाना तैयार। अब देखिए कैसे छलांग मारेगा। चलो चलो तो ये देखिए दोस्तों, अब ये खाना जो है इसका मिलते ही हो गया बिल्कुल पागल, खाना खाने के लिए तैयार। और यहाँ पर जो मेरे पर्शियन कैट रखी उनका पॉट रखा हुआ है ये, क्योंकि पर्शियन कैट की खूबी होती है दोस्तों ये पॉट इनको चाहिए होता है और इसमें ही पोटी करते हैं। तो एक पर्शियन कैट मेरी ये बैठी है, देखिए आ भाई चाइनीज़ बुढ़ा। इसका नाम मैंने दोस्तों रखा हुआ है चाइनीज़ बुढ़ा, क्योंकि इसकी आँखें जो बिल्कुल चाइनीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंकली है, मेरे साथ ही सोता रात को। ये मतलब मेल है और ये सेमी पंच है मेरे पास। तो अगर आप भी चाहती है पर्शियन कैट के किटन्स वगैरह लेना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे देखिए छोटा सा टाइगर जो खाना खाता हुआ, और तीसरी हमारी बिल्ली बाहर होगी। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ये रही पर्शियन कैट, ये ट्रिपल कोट है अपने पास। आ जा, ये अपनी ट्रिपल कोट में है दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है और साथ में मतलब बहुत ज़्यादा बात मांगती है ये। ये देखिए बिल्ली, खाना खाया तू? इन तीनों का रूटीन जो है बहुत ही शानदार है, मतलब पूरा दिन मौज मस्ती करते रहते हैं ये लोग। और ये जो बिल्ली है ये तो मतलब छोटी छोटी बॉल से बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करती है। और ये मेरा चाइनीज़ बुढ़ा। हाँ भाई चाइनीज़ बुढ़ा है तू। ये देखिए अब बिल्ली आ चुकी है उसको परेशान करने के लिए। आ जा ऊपर। तो ये खेलना बहुत ज़्यादा खेलते हैं ये लोग ना। हाँ भाई बेटा चाइनीज। चलो आ जा। ये देखो अब ये देखो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मालिश कराता है ये ना, इसको बहुत ही मालिश कराने का शौक है। देखो उसको बॉल मिल गई उसकी वो लेके घुस गई अंदर। ये बॉल मिलते ही पागल हो जाती है। ऊपर से ये देखो ये साथ में, ये भी इसके साथ खेलने को। ओए तू क्या करना आया भाई, तू खाना खा लिया तूने? अपना खाना खा लिया है? ये देखो आ गई, लेकिन इसकी बॉल नहीं मिली इसको, बॉल फिर से घूम करके आ गई ये। जा तू लेगा बॉल निकाल के लेगा। ये देखिए बॉल आ चुकी है दोस्तों। ओ
वो फिर लेके घुस गई अंदर। ये लेकर आगे बोल। बोल लेगी तेरी, बोल लेगी, जल्दी पकड़ 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 पकड़। ये आ गया, आ गया, आ गया, लाइन दरा। ये इसके साथ बहुत ज्यादा खेलता है, टेडी के साथ। टेडी के साथ बहुत ज्यादा खेलता है। अब देखना दोस्तों ये कितना अगले भी लिख तेरे बोलिए अभी और पकड़। चलो छोड़। ये देखिए मालिश कराता है इस तरीके से, इसको मैं फिर इस तरीके से उल्टा ले जाता हूँ उठा के। हाँ करेगा तू, करेगा। ये देखो दोस्तों ये है भालू का बच्चा। तो इस तरीके का रूटीन रहता है दोस्तों इनका। बाकी पर्शियन जो किटन है उनका दाना यहाँ रखा होता है, क्योंकि नीचे रखता हो तो वो नहीं छोड़ता, तो इनका दाना यहाँ रखा होता है, पानी इनका यहाँ पर रखा होता है, और रात को मेरे पास ही सोते हैं ये लोग यहीं पे। देखिए मस्ती है इन दोनों की, आपस में लड़ते रहते हैं। ले आ, बोल लिया। मिल गई? नहीं मिली? ले गया? जलेगा?
तो आज के इस ब्लॉग के दोस्तों यहीं पे एंडिंग करूँगा और कल का रूटीन फिर से इनका दिखाऊंगा मैं किस तरीके से इनकी कल की मौज मस्ती, मतलब डेली कोशिश करूँगा इनकी मौज मस्ती दिखाने की आप लोगों को। और आप भी अगर चाहते हैं कल्चर पोम लेना या कोई भी शिट्जू वगैरह या जो भी टॉय पेयर्स से रिलेटेड आप चाह रहे हैं, चाव चाव अगर आप लेना चाह रहे हैं, अमेरिकन बुल्ली आप लेना चाह रहे हैं या पर्शियन कैट किटन्स आप चाह रहे हैं, कल्चर पॉम, टॉय पॉम, शिट्जू, आपका लेबराडॉग, गोल्डन रिट्रीवर, कोई भी पेयर्स आपको चाहिए आप फटाफट कॉल कर लीजिए, आपको होलसेल प्राइस पे हमारे पास मिल जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।